नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं जेपी गोलंबर पर। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नेता, प्रतिपक्ष नेता, यहीं से शुरुआत करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। आप उस तरफ का दृश्य देख सकते हैं, यहां पर बाकायदा बैरिकेड लगाया गया है और रोका गया है। पुलिस प्रशासन यहाँ जो है मौजूद है। और आज हम बता दें कि तमाम जो आरजेडी कार्यकर्ता हैं वो गांधी मैदान के पास जमा हुए हैं। वो अपना अपनी जो गाड़ियां हैं वो गांधी मैदान के चारों ओर लगा रहे हैं। उसके बाद यहां पर वो इकट्ठा हो चुके हैं, यहां पर बैरिकेड लगा दिया गया है। आज विधानसभा का घेराव होना है। और बाकायदा तेजस्वी यादव ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का जिक्र किया कि जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद जो सदन है वो आवारा हो जाती है। और कभी जयप्रकाश नारायण भी कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इन्हीं वाक्यों के साथ तेजस्वी यादव ने बाकायदा आज कहा कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। रुक जाइए, बताइए क्या नाम हुआ आपका? मैं नाम संजीव हरेलाल यादव, वैशाली से। वैशाली से जी। ये बताइए, यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया है, आप लोग कैसे जाइएगा? ये नीतीश कुमार के अध्यक्षता में है ये जो होता है ना मीटिंग, सब अध्यक्षता में जो मेन प्रॉब्लम रहता है अध्यक्षता में नहीं है, पुलिस प्रशासन लोग है। तो आज हम लोग पुलिस प्रशासन से थोड़े ना मानने वाले हैं, वो लोग की अपनी काम है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो कैसे जाइएगा ही बताइए विधानसभा घेराव करने? विधानसभा घेराव कर रहे हैं कि इसको तोड़ के जाएंगे, इस पर चढ़ के जाएंगे। आज जब देश आजाद हुआ है उस समय से पहले बार ये घेराव हो रहा है, आज़ादी रोका गया है वो नीतीश कुमार के अध्यक्षता में। और जब हमारे नेता प्रतिपक्ष गरीबों की बात करेगी, महंगाई की बात करेगी, बेरोजगार की बात करेगी, दारू माफिया की बात करेगी, जैसे राम सुरत राय का। आइए कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चिया प्रकाश सिंह यादव नाम हुआ मेरा, जुआ के प्रदेश महासचिव है हम। बोलिए डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह यादव, जुआ के प्रदेश महासचिव। आज जो विधानसभा घेराव है, तमाम बिहार से नौजवान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और विधानसभा गेट पर हम लोग पहुँचेंगे। लेकिन कैसे पहुँचेंगे? बैरिकेड लगा हुआ है, बैरिकेड तोड़ करके हम लोग पहुँचेंगे। क्योंकि जयप्रकाश जेपी जी ने बोला किया करते थे कि सड़क जब सुनी हो जाएगी तो सदन आवारा हो जाएगा। तो हम लोग राम मनोहर लोहिया ने कहा ये जो सदन है नीतीश कुमार का, ये आवारा हो गया है, इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और 19 लाख नौजवानों को रोजगार दे नीतीश कुमार, नहीं तो गद्दी छोड़े। जो और लोग बताइए, बैरिकेड लगाया गया है, आप लोग कैसे पहुँचिएगा? बेरोजगार, भ्रष्टाचारी और शराब वाले जो कानून जो मंत्री उसका शराब बेच रहा है उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो, हम लोग मांग करते हैं। मेरा सवाल सुनिए, कैसे पहुँचेगा? बैरिकेड लगा हुआ है, निश्चित तौर पर हमला। लेकिन पुलिस प्रशासन तैयार है, लाठी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से नीतीश कुमार मान जाए, हम लोगों को रास्ता दे। अगर वो बात करेंगे तो समझ लीजिए कि आंदोलन यहाँ विधानसभा का घेराव करके ही जाएंगे, समझे? ये हम लोगों का सोच है। लेकिन पुलिस प्रशासन सख्त है, लाठी खाने के तैयार है आप लोग? आजादी बिना संघर्ष का नहीं होता, आजादी बिना संघर्ष का नहीं होता। तो इस तरीके से जेपी गोलंबर में मौजूद हूँ, तमाम कार्यकर्ता पूरे जोश और खरोश में है और कह रहे हैं कि अगर हमें लाठियां भी खानी पड़ेगी तो हम खाएंगे, क्योंकि आज़ादी या कोई बड़ा जो मकसद होता है वो बिना संघर्ष के हासिल नहीं होता है। आप देख सकते हैं मजबूत बैरिकेड लगाया गया है, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है और यहाँ से जेपी गोलंबर से ही जो है विधानसभा का घेराव होगा। बेरोजगारी को लेकर आपको पता होगा, तेजस्वी यादव ने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें स्पष्ट कर दी कि किस तरीके से जो है NDA सरकार रोजगार देने में असफल रही है और इसलिए हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और बाकायदा राम मनोहर लोहिया के वाक्यों का जिक्र किया, जयप्रकाश नारायण के वाक्यों का जिक्र किया कि अगर जो है सड़कें सुनी हो जाए तो सदन जो है आवारा हो जाती है। तो हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त जेपी गोलंबर मौजूद हैं, अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आते हैं तो फिर क्या कुछ होगा, आप जुड़े रहिएगा। आज दिन भर आपको भारत लाइव पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
9386816700। धन्यवाद।